वो हर सूरत रोजी में तरक्की कर, और जो शख्स भी खयानत का मुर्तकिब होगा आज नहीं कल परसों अंजाम कार वो बदहाली तंग दस्ती का शिकार हो जाता है। ये असूल है, ये असूल है जो अल्लाह के रसूल ने दिया है। इससे गुरेज नहीं है, इससे गुरेज कोई भी नहीं कर सकता, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो। अमेरिका में माफिया का वो जो बहुत बड़ा, उसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं। बड़ी यंग एज में उसने अमेरिका में इकदार सा हासिल किया, ड्रग से, जुए से, नातेदारी। अभी तक वो जेल में पड़ा पड़ा मर गया। मुझे नहीं समझ आती कि उसकी जिंदगी पे रोया जाए या उस पर फख्र किया जाए कि ये कितना है। जो दयानतदार अमानतदार लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं मगर ज़वाल पजीर नहीं होते अल्लाह के मुताबिक। वो अपने रिस्क की आला तरीन लिमिट्स को जरूर जान, और खयानतकार दो चार दिन की ऐशो इश्शत तो जरूर हासिल कर लेते हैं मगर अल्टीमेट अंजाम उनका बहुत नाकाम। अल्लाह के रसूल ने और हदीस कुदसी सुनाई, बुखीलों पे तंज किया, कहा अल्लाह अज़्ज़ोजल ने आए इब्ने आदम खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा, ना करो तो बैठे रहो। तो अल्लाह से गिला कैसा। मगर देखो असूल कितने खूबसूरत है, काश के हम जाने। हमें कोई डेल कार्नेगी के लॉज नहीं चाहिए पर्सनैलिटी, हमें एमर्सन के एसो से नहीं कानून ढूंढने होते। हमारे रसूल के कानून बहुत है, इतने बेशकीमत हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये जो अगर खर्च कर मैं तुझ पे खर्च करूंगा, तो अल्लाह के रसूल ने एक बात बड़ी की, तू जल्दी में काहे को है कमाने की। बड़ी हैरान कन बात है, आपको बड़ा मजा आएगा। फरमाया तुम जल्दी काहे करते हो कमाने की, अपनी उम्र नहीं घटाना चाहते तुम। मगर जल्दी कमाओ खुदा ने तो रिस्क लिखा हुआ है, अगर तुम उसको जल्दी कर लो, मगर जो जितनी जल्दी रिस्क हासिल करेगा उतनी जल्दी मर भी मौफौत भी हो जाएंगे, उतनी जल्दी मर भी जाएंगे। यानी रिस्क पे जिंदगी है, वक्त पे जिंदगी नहीं है। अगर आपने 1,00,000 रुपया कमाना है 2 बरस में, अगर 1 साल में कमाओगे तो 1 बरस जिंदगी का कम हो गया। 1 बरस खाओगे, 1 बरस बाकी का कहां जाएगा, बाकी बरस में क्या करोगे। तो आपने फरमाया जल्दी न किया करो, रिस्क की तलाश में जल्दी न किया करो, नेकबख्तों की उम्र न घटा लो, अपनी उम्र न घटा लो कहीं। ये है सलामती का रास्ता। अगर करोड़पति तुमने 20 बरस में होना है तो 10 बरस में कैसे होएगे, तो 10 बरस गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही वजह है कि हम बड़ी हसरतों से औरतें बेचारी सहन में बैठ के मातम करते हुए कहती हैं, हाय क्या अच्छा था, अभी तो उम्र थी खाने पीने की तो फौत हो गई। यही कहती है ना, अभी तो उम्र आई थी, अभी तो 4 पैसे जमा किए थे और अभी फौत हो गए हैं। तो भाई एहतियात करनी थी ना, थोड़े सुस्त पैसे ले लो, उम्र तो पूरी करो ना आप। हाजिर हजरात, अल्लाह देखिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई, मैं चाहता हूँ आप इसको गौर करो। कल को अपना ना समझा कर, कल अपना नहीं होता। ये अल्लाह के रसूल ने वार्न किया है, खबरदार लंबे लंबे प्रोग्राम ना बनाया करो। बच्चा इतना सा है, इसको हार्वर्ड में भेजेंगे पढ़ाई के लिए, है नी? अभी आंख नहीं खोली तो मौसूफ इंग्लिश ग्रामर स्कूल में जाके दाखिल हो गए। इतनी तवील सोचे ना पालको, तिल का अमानियों सारी की सारी। तुम जब लंबे प्लान बनाते हो खुदा को गुस्सा आ जाता, खुदा को गुस्सा आ जाता। इनको पता है कल क्या होना है, कि जो इतने लंबे भाई लम्हे से लम्हे नहीं जीना तो दिन से दिन जियो। ये साल के सालों एक पूरी सदी का ये तमाम आज ही ना करो, इतने लंबे वक्त को शरीक जिंदगी ना बनाओ। फरमाया देखो क्या खूबसूरत भरपूर मुख्तसर मगर जामे बात फरमाई, जो शख्स आने वाले कल को अपनी उम्र का जुज समझता है वो गोया मौत पे यकीन नहीं रखता। जो शख्स आने वाले कल अपनी जिंदगी और उम्र का जुज समझता है वो मौत पे यकीन नहीं रखता। फिर मौत उसे यकीन दिला के रहती है ना। बड़े बड़े अजीब और गरीब हादसा जब मैं सुनता हूँ, बड़े बड़े स्मार्ट हैंडसम, बड़े यंग, बड़े मुदब्बर, बड़े सलाहियत वाले लोग, जब मुझे याद है एक दफा मुस्तनसर हुसैन तारड मेरे पास आए तो कहते हैं कि प्रोफेसर मैं कैसे अल्लाह को मानूं, देख रहे उन्होंने मेरे क्या किया।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक चपरासी था, उसका एक बच्चा था, इत्तफाकन चांस मिल गया, उसने बैगिंग की, वो बैग करके बच्चे को पढ़ाया, फिर मुल्क से निकल गया वो बच्चा, उसको चांस मिल गया। वो FRCS के बाद उसने एक बहुत बड़ी और मेडिकल की डिग्री ली, घर आया बाप, पहली मरतबा घर आया, बाप की खुशियों की इंतहा न रही। अभी गली गली जाके बताया भी नहीं था कि मेरा बच्चा इस इज्जत और शोहरत के साथ आया है, कि गर्दन में एक छोटी सी गिल्टी सी निकली और 7 दिन में फौत हो गई। ठीक, कल किसी की जिंदगी का जुज नहीं होता। अपने पैगंबर की बात पे यकीन रखो कि कल किसी की जिंदगी का जुज नहीं होता। आज है, आज भी सुबह से लेकर शाम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इन हंगामों के दौरान, इन हालात में जो इस वक्त जमीन पे गुजर रहे हैं, सुबह शाम के तगैयर का भी कोई पता नहीं होता। तवील उम्मीदें न लगाया करो, प्रोग्राम न बनाया करो, जितनी है उसे समेट के ज़िंदगी गुजारा करो। जो सामने है उसको मोतबर समझो, जो दूर है उसे ख्वाबो ख्याल का हिस्सा समझो।